फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं फेडरल बैंक के बारे में। तो क्या जानेंगे हम आज फेडरल बैंक के बारे में कि ये कितना और जा सकता है अगस्त सीरीज़ में। तो इससे पहले दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस एक बात करना चाहूँगा कि यार, अगर अभी तक तुमने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। और जैसे कि हमारे पिछले वीडियो में आपको मैंने बहुत सारे शेयर्स के बारे में बताया, एक BEL शेयर के बारे में बताया था जिसमें प्रॉफिट बुकिंग आज आई, और आज आई है, 105 पे भी ट्रेड कर रहा है। तो देखिए, इसी बात में हम फेडरल बैंक के बारे में बात करेंगे, तो जानेंगे कैस क्या कर हो सकता है फेडरल बैंक का आगे के दिनों में। तो देखिए, वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको मैं चार्ट पे ले आया हूँ, उसके तो उसका चार्ट बहुत ही अच्छा दिख रहा है। इसने थोड़े थोड़े गैप डाउन के बाद फिर से ऊपर उठने की पूरी कोशिश करता है ये। मैं आपको इसका एक मंथ का कैंडल स्टिक पैटर्न दिखाना चाहता हूँ कि इसने जब ये अपने हाई पे आया था, अराउंड 58.6 पे आया था, तब से इसने अपनी ब्रेकआउट जो स्मॉल था वो नीचे बंद ख़त्म हो गया था, और इसने अपना प्रॉफिट बुकिंग दिखाना चालू कर दिया था। तो अब देखिए दोस्तों, ये पूरा रिकवर, मतलब पूरी प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी जितनी आ सकती थी। अब मैं आपको कहता हूँ कि इसमें सिर्फ आपको अब ऊपर के लेवल से देखने को मिलेंगे, और 58 बहुत जल्दी फिर से इसका अचीव हो जाएगा टारगेट। तो ये देखिए, इसने एक दिन 54.65 का हाई बनाया था, फिर उसने वहाँ से लगाकर 55 से 54 फिर से हुआ, मतलब थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग फिर से आई है, लेकिन यहाँ से ये बहुत जल्दी आपको 58 के लेवल्स अचीव करने को मिलेंगे। मुझे लगता है बिफोर 20 अगस्त वी कैन गेट द प्राइस ऑफ 58। अब मैं सबसे पहले आपको इसके स्ट्रेंथ्स के बाद बताऊँगा। इफेक्टिवली यूजिंग इट्स कैपिटल टू जनरेट प्रॉफिट, इसने अपने कैपिटल इतने अच्छे से यूज़ किए है कि इसने अपना ROCE इतना इम्प्रूव कर लिया आखिरी 2 साल में कि सारे लोग, सारे एनालिसिस इस पर बुलिश हैं, और इसने अपना प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत अच्छे से बढ़ रहा है फेडरल बैंक का, और इसका क्वार्टरली प्रॉफिट भी बहुत बढ़ा है। इसकी वीकनेस देखा जाएगा तो सिर्फ दो है, क्योंकि एक हाई इंटरेस्ट पेमेंट देता ही है, तो उनकी अर्निंग्स हाई इंटरेस्ट देती है, अर्निंग्स से ज़्यादा ये पैसा लोगों को देने में विश्वास रखते हैं, जो थोड़ी सी वीकनेस मिल जाती है शेयर के बारे में। अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसने अपना PE जो सबसे मेन होता है, PE इक्वल टू 10 है, और इसमें रीसेंट ब्रोकर डाउनग्रेड और रिकॉर्ड टारगेट प्राइस है। तो देखिए, इसका फ्यूचर्स भी देख बात कर लेते हैं। इसका फ्यूचर्स भी सारे बहुत ज़्यादा बुलिश लग रहे हैं। 54.70 अक्टूबर की एक्सपायरी है, और सितंबर और अगस्त की एक्सपायरी में भी सब बुलिश ही है। तो मैं आपको इसको ख़रीदने की सलाह देता हूँ फॉर अ टारगेट ऑफ 58 एट दिस अगस्त सीरीज़, एंड आई थिंक दिस टारगेट्स विल डेफिनेटली अचीव, गोइंग टू अचीव। एंड प्लीज़ आप लोग इसको ख़रीदिए, क्योंकि अगर आपको ये घाटे का सौदा कतई नहीं होगा। तो यार दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर देना, और वीडियो को लाइक मारना मत भूलना। और अगर आपको और भी शेयर्स के बारे में जानना है तो प्लीज़ यार कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा कमेंट कर देना, मैं उसके बारे में भी वीडियो बना दूंगा। तो यार, थैंक यू गाइस, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।